हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी शेवरलेट बीट और इस गाड़ी का आज हम चेक करेंगे फ्रंट डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक में कैलिपर भी चेक करेंगे, कैलिपर पिन भी चेक करेंगे और साथ में इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी चेक करेंगे कि अगर चेंज करने की ज़रूरत होगी तो फिर उसको चेंज भी करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को हमें करना होगा लिफ्ट और लिफ्ट करके ये दोनों व्हील हमको पहले आगे के उतार लेने होंगे। ये तरफ मैंने स्टैंड लगाया, एक उस तरफ स्टैंड लगाया और दोनों व्हील हवा में। अब बस व्हील करने बाहर। व्हील हटा लिए, अब ये आ गए हमारे कैलिपर जिनको हमें चेक करना है। कैलिपर में होता है हमारा पिस्टन, ये दिख रहा है हमारा कैलिपर पिस्टन, कैलिपर पिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों को ग्रीस करेंगे, कैलिपर पिस्टन चेक करेंगे और साथ में डिस्क पैड कितने बचे हैं वो भी देखेंगे। डिस्क की कंडीशन क्या है वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले ये कैलिपर को यहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूव करके अच्छे से यहाँ पे लिफ्ट कर देते हैं। सॉकेट 14 mm, कैलिपर पिन दोनों ऊपर और नीचे। अब नीचे वाला, यह है इसका पिस्टन, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे। पिस्टन पीछे हो गया और अब कैलिपर हमारा बाहर आ जाएगा। ये आ गया जी कैलिपर पिस्टन के साथ। इसको रखना होगा कहीं सेफ प्लेस पे ऐसे लटका के। फिलहाल इसको यहाँ रख देता हूँ, ये ज़्यादा सेफ है। ब्रेक पैड्स, ये लगे हैं जी हमारे ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड बाहर आ गए और लगभग चेंज करने जैसे ही हैं, तो अभी इसको हम चेंज कर देंगे। और एक चीज़, कैलिपर पिन जाम नहीं है, बराबर चल रही है। ये वाली कैलिपर पिन थोड़ी सी जाम होने लग रही है, लेकिन हाँ इसको क्लीन करके हम दोबारा ग्रीसिंग करेंगे। तो इसको निकाल ही लेते हैं। कैलिपर पिन दोनों बाहर हो गए, ये अपर साइड ये लोअर साइड। बस अब आ गए हम दूसरी साइड का भी। हमने ये कैलिपर पिन के बोल्ट खोल लिए, पिस्टन को पीछे कर दिया। ये आ गया जी हमारा पिस्टन, ये निकाल दिया हमने रबड़ और इसको रख देंगे हम यहाँ ऊपर। कई बार क्या होता है, ये पिस्टन भी जाम हो रहे होते हैं, यहाँ का ये रिंग कट जाता है तो पिस्टन भी जाम होते हैं, लेकिन इसमें अभी ऐसी कंडीशन कुछ दिख नहीं रही है प्रॉपर। अब कैलिपर पिन, एक ये लगी है एक ये लगी है, फ्री है लेकिन थोड़ी सी आवाज़ टाइप की दिख रही है। और ये वाली, ओह ये वाली थोड़ी जाम है, देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जब ये कैलिपर पिन जाम होगी तो हमारे ब्रेक पैड चिपकना शुरू हो जाएंगे। ये देखो जाम दिख रही है, तो इसको हम क्लीन करेंगे। अपर पिन लोअर पिन, अब इसके डिस्क पैड ठीक है, डिस्क पैड ये भी हम चेंज करेंगे, सेट ही चेंज करेंगे पूरा एक साथ। ये भी आ गया जी डिस्क पैड। वैसे अभी इसको चाहते तो क्लीन करके थोड़ा बहुत चला सकते थे, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम चेंज ही करेंगे। अब दोनों कैलिपर पिन क्लीन करते हैं, क्लीन करके ग्रीसिंग करते हैं और फिर फिट करते हैं। कैलिपर पिन ग्रीस लगाएंगे इसमें, कैलिपर ग्रीस। और मेन चीज़, इसमें कभी भी ये वाला ग्रीस नहीं लगाना है, इसमें कभी भी ये नॉर्मल ग्रीस नहीं लगाना है। होता क्या है, पॉइंट थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ये जो ग्रीस है नॉर्मल ग्रीस है और ये एक टेम्परेचर पर आने के बाद पिघल जाएगा और पिघल के बाहर हो जाएगा या फिर ये पिन सीज हो जाएगी। ये जो ग्रीस होता है सिलिकॉन बेस्ड होता है और ये होता है हाई टेम्परेचर ग्रीस। तो इस ग्रीस को हम लगाएंगे कैलिपर पिन पे। और ये बूट मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया, अंदर का सरफेस भी क्लीन कर दिया, अब इसको लगा दिया बराबर। ये आया है दूसरी पिन,
क्लीन करके रखी है, बूट लगा दिया और ये आया जी हमारा कैलिपर, कैलिपर ग्रीस। ये पिन में आप थोड़े थोड़े खड्डे देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में पिन मैंने बाहर से बनवाई है। जब ये पिन कट जाती है तो या तो इसको आप चेंज करो या तो फिर खराद मशीन पे जाके इसको बनवाओ, तो ये बनवाया हुआ है। ये आ गया जी पूरा और ये आ गई हमारी पिन बराबर। अब इसके चेंज कर रहे हैं ब्रेक पैड, ये दोनों एक उस साइड का आएगा जिस पे आप देखेंगे स्टील का ये लगा हुआ है, ये होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो पहले इंडिकेटर लगेगा अंदर की तरफ और ये वाला लगेगा बाहर की तरफ। तो ये टुकड़ा हम रख देते हैं वहाँ के लिए, दोनों ये यहाँ के लिए। इससे पहले ये सरफेस थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ये जो सरफेस है इस पे पैड फिसलते हैं तो इस पे भी ग्रीस होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रीस यहाँ पे रख दूँगा और थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा इधर। लगाते समय एक बार याद रखिए डिस्क पे नहीं लगना चाहिए, डिस्क पे लगेगा तो फिर आपके ब्रेक नहीं आएंगे, आएंगे ब्रेक लेकिन कम आएंगे। ये आ गया जी हमारा इस तरफ का, बस फिट हो गया, एक पैड लग गया। अब ये दूसरा पैड, दूसरा पैड इंडिकेटर इस तरफ आएगा। ये आ गया स्लॉट में और एक यहाँ फिट बराबर, सिंपल। अभी क्या करना है, कैलिपर लगा देना है हमको। कैलिपर लगा दिया, कैलिपर लगाने से पहले ये पिस्टन है, पिस्टन को थोड़ा अंदर दबाना पड़ता है, हमने अंदर दबाया और इसको फिट किया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे स्लॉट बनी हुई है पिन में, कैलिपर पिन में स्लॉट दिख रही है, ये स्लॉट बिल्कुल ऐसे आएगी, ये फिट, फिट हो गया। और अब जाके इसको हम कर देंगे टाइट। अब देखिए ये जो पैड लगा हुआ है नया है, इसमें देखिए कितना मोटा है और स्लॉट बाकी है, और ये पुराना वाला बिल्कुल ख़त्म पे था, यानी एंड था बिल्कुल इसका। और अब एक चीज़ और होगी, जब आपने ये ब्रेक पैड चेंज किए तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ब्रेक ऑयल का लेवल ये ज़रूर बढ़ जाएगा। ये देख रहे हो आप, पहले नीचे था अब ऊपर तक आया, अभी दूसरा डालेंगे थोड़ा और ऊपर तक आएगा, तो ये लेवल बढ़ेगा। तो अभी इस साइड का ब्रेक पैड चेंज हो गया, कैलिपर पिन ग्रीस हो गई और इस साइड का काम पूरा हो गया। तो अब इधर का व्हील फिट कर देंगे जी। अभी साइड के व्हील के नट भी मैंने टाइट कर दिए। टाइट करते समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये जो बोल्ट्स हैं कभी भी क्रिस क्रॉस मैनर में टाइट होने चाहिए। पहले इन दो को मिलाइए, फिर इन दो को मिलाइए और सभी को फुल टाइट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा इसको टाइट, फिर थोड़ा इसको टाइट, फिर उसके बाद इसको, इसको। और ये करने का पर्पज़ क्या है, अलाइनमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो, व्हील बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, और जब ये परफेक्ट फिट हो जाए तो फिर गाड़ी को डाउन करके फिर इसको पूरा टाइट करेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखने की बात है, क्यों, अभी तो आप चलिए डिस्पैच के लिए आपने खोला या नहीं खोला, लेकिन हाँ कभी रास्ते में अगर आपका टायर पंचर होता है, स्टेपनी आपको चेंज करनी है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। स्टेपनी चेंज करेंगे, स्पेयर व्हील लगाएंगे तो टाइट करना, इतना तो आपको आना ही चाहिए, दूसरा काम आप करें या ना करें, लेकिन ये काम तो आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि आप हाईवे पे हो सकता है कि आप जंगल में हो, और ये चीज़ अगर आपको आती होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये सही से फिट नहीं होगा, हो सकता है चलती गाड़ी में आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करने लग जाए, व्हील खुल जाए, या कई बार मैंने देखा है लग्स ये टूट जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने ध्यान दिला दिया, ज़रूर इसको अच्छे से टाइट कीजिए। अभी आ गए हम दूसरी साइड, दूसरी साइड की पिन, बूट और इसके अंदर का होजिंग, ये दोनों हमने क्लीन कर लिए और अब बारी है हमको वही कैलिपर ग्रीस लगाने का। पिन कैलिपर ग्रीस, अभी
कैलिपर लगा दिया हमने, पहले पिस्टन को पीछे दबाया, कैलिपर ऊपर से फिट किया और ये दोनों बोल्ट मैंने जैसे पहले दिखाए थे सेम वैसे ही टाइट कर दिए, पूरा फिट हो गया। और रही बात डिस्क, तो डिस्क को अभी ज़रूरत नहीं है रीसरफेसिंग कराने की, अगर ये कुछ ज़्यादा ख़राब होता तब मैं इसके खोल के रीसरफेसिंग कराता, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे हमारा व्हील, तो फिलहाल व्हील भी हमने टाइट कर लिया, व्हील को क्रिस क्रॉस मैनर में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, डिस्क पैड का काम और कैलिपर पिन का काम पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर कुछ अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मन में कुछ सवाल रहता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।